प्रभु की तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। इस रात्रि के समय के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और आपकी स्तुति करते आपके सम्मुख आते हैं। मसीह में जितने भाई बहन हैं जो प्रार्थना सुन रहे हैं, परमेश्वर इन सभी की जो प्रार्थना सुनते हैं और साथ में करते हैं परमेश्वर पिता, आज इनसे बात कीजिएगा पिता परमेश्वर। और जितना भी ये प्रार्थना का विषय ये लिखते हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिख के वो बताते हैं परमेश्वर आपको, जो कमेंट बॉक्स में जो प्रार्थना का विषय लिखते हैं उनकी सारी प्रार्थनाओं का आज जवाब परमेश्वर उनको दीजिएगा। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तो सबसे पहले हम प्रभु की स्तुति करेंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन में जाएंगे जो परमेश्वर हमें स्वर्ग से वचन बताने वाले हैं, और उसके बाद हम सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की तारीफ हो। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, इस रात्रि के समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सच में परमेश्वर पिता सुबह से लेकर अभी तक आपने संभाल के रखा परमेश्वर पिता, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। इन भाई बहनों के संगों साथ रहा पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हमें सारी खतरे मुसीबतों से, इन भाई बहनों को सारी बीमारियों से सबसे परमेश्वर बचाया, छुटकारा दिया। प्रभु आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर पिता। हमारी सहायता करने वाले परमेश्वर पिता आपके धन्यवाद करते हैं। यहोवा राजा पिता परमेश्वर, हमारा सामर्थी प्रभु, प्रभु जो सीधे हैं और सत्यवादी हैं, प्रभु आपका तारीफ करते हैं। चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। जिसने परमेश्वर पिता इतनी बड़ी बड़ी गवाही सब भाई बहनों के जीवनों में दिया परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। इस सभी भाई बहनों के जीवनों को परमेश्वर आप लेकर आए, सच्चाई में लेकर आए परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। कितने लोग जो आपका नाम को नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु जी आपको नाम को सुन के और आपको जानने के बाद परमेश्वर पिता उस छुटकारा को पाए, और परमेश्वर पिता इन्होंने जब सत्य को जाना तो सत्य इन्हें स्वतंत्र किया, उन सारी व्यवस्थाओं से परमेश्वर ने स्वतंत्र किया परमेश्वर पिता, उन रीति रिवाजों से स्वतंत्र किया परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। सच में प्रभु आप स्तुति की योग्य, आप स्तुतियों में निवास करने वाले प्रभु हैं, स्तुति में विराजमान है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सच में प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे आगे आगे जाने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा हाथ पकड़ के चलाने वाले हमारे जीवनों में, इन भाई बहनों के जीवनों में आप इनकी अगुवाई करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। सभी भाई बहन सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। प्रभु के सामने जब हम जाते हैं तो हमें भेंट लेके जाना चाहिए, और वो भेंट हमारी स्तुति का और धन्यवाद का बलिदान के साथ हम प्रभु के सम्मुख जाना चाहिए। हमारा उद्धार करने वाला पिता परमेश्वर, सच में प्रभु इन भाई बहनों के मुख की चमक है आप परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, इनके जीवनों में आपने बहुत बड़े बड़े काम किए परमेश्वर पिता, छुटकारा दिया, ब्लेस किया, हर खतरों मुसीबतों से बचाए परमेश्वर पिता, आपका स्तुति और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सच में प्रभु हमारी आप रोना को देखते हैं पिता परमेश्वर, आप इनकी वेदनाओं को जानते हैं, कितने दुख में रहते हैं परमेश्वर पिता, लेकिन इन्होंने आपको कभी नहीं छोड़ा परमेश्वर पिता। प्रभु आज दया कीजिए परमेश्वर पिता, अपना दया वाला हाथ बढ़ाइए पिता परमेश्वर। इस रात्रि के समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। सच में परमेश्वर पिता आप हमारे लिए बहुत चिंताएं करते हैं परमेश्वर पिता, सच में आपने हमारी सारी चिंता को अपने ऊपर ले लिया, हमारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया परमेश्वर पिता। सच में हम जब व्याकुल होते हैं तो आप हमें शांति देते हैं, जब हम दुख होते हैं तो आप परमेश्वर पिता हमारे साथ होते हैं। सच में प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी शांति हमारे जीवनों में, इन सभी भाई बहनों के जीवनों में आने दें परमेश्वर पिता, अनुग्रह दे के चलाइए यीशु राजा। धन्यवाद यीशु, सच में परमेश्वर है शांति का परमेश्वर है। प्रभु आज आपको शांति देने जा रहा है परमेश्वर, आपको आज ब्लेस करने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हम भजन संहिता में पढ़ेंगे 94 अध्याय उसका 19वां वचन, उसमें लिखा है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब ही यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। ये वचन आप खुद भी निकाल कर पढ़ सकते हैं अपनी बाइबल में से, और बार बार पढ़िए वचनों को, आपको शांति मिलेगी। वचन में लिखा है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, सच में आप लोग भी जो आपके मन में बहुत सारी बातों के लिए चिंता करते हैं, वो बातें बहुत सारी प्रकार की हो सकती है आपके जीवनों में, और वो चिंताएं आपको रात दिन खाई जा रही है और आप एकदम सुख रहे हैं,
स्टील के समान हो गए, आपके एकदम आप कमजोर हो गए, पतले हो गए, क्योंकि आपके अंदर क्या आ गई है, वो चिंताएं आ गई है। वचन में लिखा कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब वचन आगे क्या कहता है कि तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। प्रभु का धन्यवाद हो। वचन में हम कई बार पढ़ते भी हैं कि जब हम फिसलने लगे तब यहोवा की करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। यदि आप परमेश्वर से पूर्ण रीति से प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल लव आप करते हैं बिना शर्त रखे हुए। कई लोग शर्त के अनुसार वो प्रेम करते हैं परमेश्वर से, जैसे कि प्रभु आप मुझे ये देंगे तो प्रभु मैं आपसे प्रेम रखूंगी या रखूंगा, प्रभु जी आप मेरे जीवन में ये काम कर देंगे तो मैं चर्च जाना स्टार्ट कर दूंगी, प्रभु आप मेरे जीवन में ये काम कर देंगे तो प्रभु मैं आपके लिए ये काम करूंगी, तब मैं वचन पढ़ूंगी, जब आप ये काम करेंगे तब मैं प्रार्थना करूंगी, जब आप ये काम करेंगे तब मैं आप में पूर्ण रीति से आऊंगी। देन व्हाट इज दिस, दिस इज कंडीशनल लव। ये क्या है, शर्त के अनुसार प्रेम है। लेकिन जब हम परमेश्वर से अनकंडीशनल लव करते हैं, अनकंडीशनल का अर्थ है बिना शर्त के, जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं, मान लो कि आप दुख में हैं, अभी भी आप दुख में, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो अगापे प्रेम करते हैं, आपके जीवन में जो परिस्थिति आ जाए लेकिन आप टस से मस नहीं होते, आपका प्रेम कभी हिलता नहीं है, वो प्रेम यदि आप परमेश्वर से करते हैं तो प्रभु तो आपसे प्रेम करता ही है, लेकिन प्रभु प्रसन्न होकर आपको बहुत ब्लेस करेगा। आपके मन में बहुत सारी चीजें होती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आप प्रभु से मांगते भी नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, तो परमेश्वर प्रसन्न होता है और आपको एक आशीष नहीं बल्कि डबल ट्रिपल आशीष करता है सच में, जैसे कि अय्यूब के जीवन में किया, क्योंकि इसका अय्यूब के जीवन में क्या था, अनकंडीशनल लव था परमेश्वर के प्रति, और उसने कुछ नहीं मांगा, धीरज के साथ बांट जो अपनी चंगाई के लिए, और अंत में क्या हुआ, वो जीत के वो विजय प्राप्त किया अपनी बीमारियों के ऊपर, और उस अनकंडीशनल लव के कारण परमेश्वर ने चंगाई तो दी, साथ में परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष से भी भर दिया। तो मसीह में और हमारे प्रिय भाइयों बहनों, आप लोग भी परमेश्वर से अनकंडीशनल लव करें, बेशक आप बीमार हैं, बाट जो है परमेश्वर की प्रतीक्षा करें चंगाई के लिए। हाँ आप हॉस्पिटल जाते हैं, कोई बात नहीं आप जाएं, लेकिन आप प्रभु के लिए भी बाट जो है उस चंगाई के लिए बाट जो है। हाँ आपके घरों में बहुत सारे मुसीबतों का पहाड़ है, बाट जो है धीरज के साथ परमेश्वर सब कुछ करने के लिए खड़ा है, परमेश्वर आपके साथ है। तेरा मन क्यों व्याकुल है, तेरा मन क्यों बोझिल है, क्यों व्याकुल आपका मन क्यों बोझिल है, प्रभु कहता है कि तेरा मन क्यों व्याकुल है, तेरा मन क्यों बोझिल है, मैं तेरे साथ सर्वदा रहता हूँ। प्रभु कहता है कि तू मत घबरा, मत डर, क्योंकि प्रभु आपके साथ है, प्रभु ने हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ा है। आपके घरों में कभी भी भली वस्तु की घटी ना होगी, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके संकट के समय भी आपके साथ है। विश्वास करिए प्रभु आपके संकट के समय साथ भी है, और प्रभु आपकी रक्षा भी करेगा, और आपको तसल्ली भी देगा, और आपको शांति भी देगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए आप मत घबराइए, टूटिए मत आप कि बस प्रभु तो मेरे जीवन में कुछ नहीं करता, मत टूटिए, परमेश्वर में अड़े और खड़े रहिए। जब हम हियाव के साथ ललकारते हैं कि मैं तो प्रभु में अड़ा और खड़ा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरी सब कुछ जानता है, प्रभु मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, आपके जीवन में निश्चय होगा, क्योंकि प्रभु ने आपके जीवन में प्रतिज्ञा की है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए आप प्रभु को पुकारिए, प्रभु से प्रार्थना में मांगिए, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ करने के लिए तैयार है। हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है। वो कैसा परमेश्वर है जो हमारे आंसुओं के साथ खुद भी आंसू बहाता है। जब आप रोते हैं तब प्रभु रोता है आपके साथ, और जब आप कष्टों से होकर गुजरते हैं, और जब आप तब आप कभी कभी क्या करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में बुड़बुड़ाते हैं। लेकिन आज आपको यह जान लेना है, बहुत ही जरूरी है, कि जब आप निराश होते हैं तब वह भी निराश होता है। आप पढ़िए वचन में, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, वचन में लिखा हुआ है यशया 63
63 अध्याय उसका 9वां वचन में लिखा है कि जब हम दुख में होते हैं तो प्रभु भी दुख में होता है, और जब हम निराश होते हैं तो वह हमें बहुत निराश होता है। क्या आप दुख में होते हैं तो परमेश्वर को अच्छा लगता है? नहीं, वह भी दुख होता है और वह भी आंसू की तरह इसे होकर गुजरता है। इसलिए प्रभु यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। अब इब्रानियों में पढ़ सकते हैं 5वां अध्याय में, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर आपको कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, जैसे ये संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना ही डरे। सच में वचन जो परमेश्वर है, वचन में कहता है कि किसी भी बात की चिंता ना करें, परंतु हर बात में तुम्हारे क्या होना चाहिए, निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में क्या किए जाएं, उपस्थित किए जाएं। आप प्रभु के सामने बैठ के आप प्रभु को हर बात में धन्यवाद करें। यदि आप दुख में हैं तो आप निवेदन करें और प्रार्थना करें और विनती करें, सब कुछ परमेश्वर ने दिया तो धन्यवाद करें। तब क्या होगा, जब आप ऐसे करेंगे, जब प्रार्थना विनती धन्यवाद करेंगे, तब परमेश्वर की जो शांति है जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वचन के अनुसार शांति का परमेश्वर खुद आपको अपनी शांति और तसल्ली देगा। और आप सभी जानते हैं और सच है, फैक्ट है 100% कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर निश्चय हमारे दुखों को उठा लिया है, उसने मृत्यु को सदा के लिए नाश कर दिया। इसलिए आप चिंता ना करें, आप मन में व्याकुल ना हो, आप मत घबराइए, आप बोझिल मत होइए, अपना बोझ को परमेश्वर पर डाल दीजिए। प्रभु को आपका ध्यान है, प्रभु आपको नित देखते रहता है कि मेरे बेटा और मेरे बेटे दुख में भी वो परमेश्वर को नहीं भूले, बल्कि उनकी प्रार्थना निवेदन मुझ तक पहुँचती है। प्रभु का धन्यवाद हो, आपका मन व्याकुल ना हो, आपका मन बोझिल ना हो। हम प्रार्थना करेंगे सभी भाइयों बहनों के लिए, आप जितने भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, रबगदरो लब शेरी गदरो लब गदरो लब खतिरा लब खतिरा, हालेलुया। प्रभु जी अपनी शांति का परमेश्वर, पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं भाई बहनों के जीवनों को। प्रभु जी इनका मन बहुत ही व्याकुल है, प्रभु जी इनका मन बहुत बोझिल है, प्रभु जी आज इन पर दया कर दीजिए, अपने दया वाला हाथ बढ़ाइए। प्रभु जी प्रभु कहता है कि तू चिंता ना कर, तेरा मन व्याकुल ना हो, तू बोझिल ना हो, प्रभु आपके साथ सर्वदा रहता है। हालेलुया, रबगदरो लब शेरी गदरो लब अपनी सारी चिंता प्रभु के हाथ में सौंप दे, अपने सारे दुख और चिंताओं को परमेश्वर दूर करने के लिए आपके पास है। प्रभु आपके सम्मुख में आपके सारे दुखों को और चिंताओं को परमेश्वर दूर कर रहा है। हालेलुया, आपको परमेश्वर पूर्ण शांति से परिपूर्ण कर रहा है। हालेलुया, रबगदरो लब शेरी गदरो लब गदरो लब गदरो लब, आपकी सारी चिंताएं जो भी है सब परमेश्वर पर डाल दीजिए। हालेलुया, रबगदरो लब शेरी गदरो लब गदरो लब तिरा, हालेलुया, रबगदरो लब शेरी गदरो लब गदरो लब गदरो लब तिरा। हम प्रार्थना निवेदन करते हैं आपके सम्मुख में, जितने भाई बहन है प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी इनके जीवनों में बहुत सारी परमेश्वर चिंताएं हैं प्रभु जी, और वो उस चिंता की वजह से परमेश्वर पिता वो बीमार हो गए, वो सुख गए हैं परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर पिता इनकी सारी चिंता और तकलीफों को दूर कर दीजिए परमेश्वर पिता, दया कीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया, प्रभु जी दया करो, अपना दया वाला हाथ बढ़ाइए। यीशु पापा जी इनको आपके हाथों में समर्पित करते हैं लॉर्ड जीसस, प्रभु जी ये आंसू के तराई में होकर जाते, आप उनके साथ रहते हैं, जब ये रोते तो आप भी रोते, जब आप ये दुख होते तो आप भी दुखी होते, जब ये निराश होते तो आप भी निराश होते परमेश्वर पिता। हालेलुया, परमेश्वर की शांति को ले लीजिए आज यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर की शांति आपके जीवनों में आ रही है, आपकी सारी चिंता और तकलीफ परमेश्वर दूर कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया, प्रभु आपके सम्मुख में उपस्थित है। हालेलुया, प्रभु जिनकी चिंताएं परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं।
हालेलुया। कितने लोग हैं परमेश्वर जो चंगे नहीं हो पा रहे। आज मैं उन दुष्ट आत्मा को मैं डांट रही हूँ मसीह के नाम से, जो चंगाई आने में इनके जीवन में रुकावट आ रही है। ऐसी आत्मा गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, चली जाओ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इनको चंगाई और छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर, चंगाई की इनके जीवनों में चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं लॉर्ड जीसस। दया करो रबा गदी रबा गदी रबा शिरी गदी रबा गदी रबा शिरा, रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ यीशु मसीह के नाम में। आप प्रभु की चंगाई आपको छू रही है, प्रभु की चंगाई आपको छू रही है। टच देम इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया रबा गदी रबा शिरी गदी रबा गदी रबा गदी रबा शिरा। हालेलुया प्रभु जी, दया करो इनके जीवनों को प्रभु जी अपने हाथों में सौंपते हैं। वो चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना यीशु मसीह के नाम, चाहे लाइलाज हो, चाहे छोटी बीमारी चाहे बड़ी बीमारी, कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के सम्मुख में कोई भी बात असंभव नहीं है। प्रभु चंगा करने वाला यहोवा है। हालेलुया रब गदुरा वशीरी की, रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ, रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर जिसने कोढ़ी को चंगाई किया, परमेश्वर ने पतरस की जो सांस थी उसका जब छुआ तो उसका ज्वर उतर गया। हालेलुया रब गदुरा वशीरी रब गदुरा, दुष्ट आत्मा चली गई छोड़ के यीशु मसीह के नाम से। कितने लोग चंगे हुए हैं जब विश्वास इसी ने, उस स्त्री ने जब छू लिया परमेश्वर के पल्ला को, उस कपड़े को, परमेश्वर के गारमेंट्स को टच किया तो वो शुद्ध और चंगी हो गई। आप भी आज विश्वास के साथ परमेश्वर को छू लीजिए। आप भी आज परमेश्वर को विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से छू लीजिए। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के गारमेंट को छू लीजिए, परमेश्वर के हाथ को टच कर लीजिए विश्वास के साथ, तो आपकी आज सारी बीमारी चली जाएगी आपको छोड़ के। परमेश्वर आपको पवित्र कर, शुद्ध कर, चंगाई दे रहा है यीशु मसीह के नाम। आपके चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे आपके गुप्त प्रॉब्लम हो, चाहे अंदरूनी प्रॉब्लम हो, चाहे शारीरिक प्रॉब्लम हो, चाहे आपका वो आत्मा से अब दुखित है, चाहे वो आपको बीमार कर रही है, वो निराश और दुखजनक बातें, और चाहे आप व्याकुल हो, अंदर से टूटे हुए हो, परमेश्वर आपके आत्मा को भी आज हील कर रही है। छू लीजिए आज परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर की शांति आपके ऊपर आ रही है। हालेलुया रबा गदी रबा शिरी गदी रबा गदी रबा गदी रबा शिरी। कितने जो ऐसे हैं परमेश्वर पिता लॉर्ड जीसस, हालेलुया रबा गदी, जिनका परमेश्वर पिता कोई नहीं है इस दुनिया में, जो अनाथ है प्रभु जी। प्रभु कहता है कि तू अनाथ नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, भले तुझे सब ने छोड़ दिया लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया रबा गदी रबा शिरी गदी, अब आप अनाथ नहीं है, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया रबा गदी रबा गदी रबा शिरी गदी रबा गदी रबा गदी रबा, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, दया करो परमेश्वर। हालेलुया आपके हाथों में समर्पित करते हैं भाई बहनों के जीवनों को प्रभु जी, आज लेकर चलिए परमेश्वर, छुटकारा दे दो परमेश्वर पिता। आप अपनी शांति को दे दीजिए, छुटकारा चंगाई को दे दीजिए परमेश्वर। कितने लोग जो कर्ज से दबे हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको कर्ज से फ्री कर दो परमेश्वर पिता लॉर्ड जीसस। परमेश्वर अपने डिवाइन हेल्पर को भेजिए, रबा गदी रबा गदी रबा शिरी गदी रबा गदी रबा थीरा। हालेलुया डिवाइन हेल्पर, रिसीव योर डिवाइन हेल्पर यीशु मसीह के नाम से। ऐसी मदद आपको मिलने जा रही है कि जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते, ऐसी मदद परमेश्वर आपके लिए भेज रहा है, मददगार भेज रहा है आपके जीवन में परमेश्वर। वो मददगार को भेज रहा है परमेश्वर आपके जीवन में। हालेलुया वो डिवाइन हेल्पर को भेज रहा है, ईश्वरीय सहायता को भेज रहा है परमेश्वर आपके जीवन में। क्या हालेलुया रबा गदी रबा शिरी गदी रबा गदी रबा, आपके सारे खर्च परमेश्वर ने माफ कर दिए, आपके सारे डेबिट फ्री हो रहे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया रबा गदी रबा गदी रबा गदी रबा, कितने लोगों ने लोन लिया परमेश्वर, उसका सारा कर्ज परमेश्वर छुटकारा देने जा रहा है परमेश्वर आपको। हालेलुया रबा गदी रबा गदी रबा गदी रबा शिरी गदी रबा, कितने लोगों ने जॉब के लिए प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की, इनके लिए हमने बहुत विशेष प्रार्थना की। आपको जॉब मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम से, आपको अब मिलने ही वाली है यीशु मसीह के नाम से, विश्वास रखें। हालेलुया रबा गदी रबा, इनके लिए वीजा के लिए, इनके जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं। इनको ब्लेस कर दो, इनको ब्लेस कर दो परमेश्वर पिता, जॉब से और वीजा से ब्लेस कर दो परमेश्वर। जिनको वीजा चाहिए इनको वीजा से ब्लेस कर, जिनको जॉब चाहिए गवर्नमेंट को जॉब से ब्लेस कर दीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया रबा गदी रबा, जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा प्रमोशन होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, कितने लोगों का बिजनेस है प्रभु जी डाउन हुआ पड़ा है परमेश्वर, इनका बिजनेस को बढ़ा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया प्रभु, कितने लोग जो नया बिजनेस खोलने के लिए सोच रहे हैं प्रभु, जिनके नए बिजनेस में साथ रहना, उनको ब्लेस होकर बदल जाए उनका बिजनेस यीशु मसीह के नाम से। इतना ही नहीं बल्कि आपका बिजनेस को परमेश्वर फेमस करने जा रहा है। हालेलुया रबा गदी रबा शिरी गदी रबा गदी रबा गदी रबा गदी रबा शिरा, आपके बिजनेस को परमेश्वर फेमस करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया रबा गदी रबा शिरा, आपके हाथों के कामों को परमेश्वर ब्लेस कर, आप जिस जिस
कामों में हाथ लगाएंगे, परमेश्वर उस कामों को उस ब्लेस करके बदल जाएगा आपका, वो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया रब गदी रब शेरे गदी रब गदी रब तेरा। सच में परमेश्वर पिता आपने ब्लेस कर दिया, इनके जीवन को आशीषित करके बदल दिया प्रभु। धन्यवाद करते पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर, धन्यवाद देते। कितने लोगों का पति और पत्नी है परमेश्वर जो जो डाइवोर्स की स्थिति पर आप पहुंची, कागार पर पहुंचा है प्रभु, जिनका डाइवोर्स को मैं आज कैंसिल करते यीशु मसीह के नाम से। कैंसिल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, कैंसिल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया रब गदी रब शेरे गदी रब गदी रब तेरा। प्रभु जी जितने भी भाई बहन है सबको प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं, इनका बिजनेस को ब्लेस कर दो परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता जो हस्बैंड वाइफ है आप इनके सारे डाइवोर्स को मैं कैंसिल करती हूं यीशु मसीह के नाम से, आपने कैंसिल कर दिया परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया रब गदी रब मिल मिल आपका आत्मा दीजिए परमेश्वर के जीवनों को, परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। कितने लोगों के जीवन में जो बेबी ब्लेसिंग को चाहते हैं परमेश्वर पिता, वो बेबी ब्लेसिंग से ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया रब गदी रब शेरे गदी रब गदी रब तेरा। हालेलुया कितने लोगों को बेबी बॉय से परमेश्वर, परमेश्वर जिनके घरों में लड़कों की आशीष नहीं प्रभु जी, हालेलुया उनके घरों में लड़कों की आशीष कर दीजिए, बेबी बॉय से ब्लेस कर दीजिए। और जिनके घर बेबी गर्ल नहीं है परमेश्वर पिता, उनके घर बेबी गर्ल से ब्लेस कर दीजिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया परमेश्वर आपके वंश को बढ़ाने जा रहा है, परमेश्वर आपके वंश को ब्लेस करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया रब गदी रब शेरे गदी, रिसीव योर ब्लेसिंग राइट नाउ, रिसीव योर ब्लेसिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। का कितने लोग हैं जो पेट में दर्द रहता है, पेट में प्रॉब्लम रहता है, स्टोन है, परमेश्वर उसके सारे स्टोन यीशु नासरी के नाम से वो मेल्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और वो यूरिन के थ्रू निकल जाए। हालेलुया रब गदी रब शेरे गदी रब, आपका जो स्टोन है पेट के अंदर वो चली जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया रब खातु रब शेरे गदी रब गदी रब थिरा। हालेलुया रब बाबा बाबा शेरे गदी रब, परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मेल्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आपका पेट दर्द ठीक हो जाए। हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर ने आपके पेट दर्द को चंगाई छुटकारा दे दिया, जो भी प्रॉब्लम था परमेश्वर ने चंगाई दे दिया, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया रब गदी रब शेरे गदी रब गदी रब थिरा। थैंक यू जीसस, आपने चंगाई दे दी, भाई बहनों के जीवनों को ब्लेस कर दिया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। कितने लोगों के घरों में जो कि धन में आशीष नहीं है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके धन में आशीष देना परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु जी दया करो परमेश्वर पिता, दया करो इनके धन को आशीष कर दो, इनके धन को ब्लेस कर दो परमेश्वर पिता। इनके पर्स और इनके वॉलेट में हाथ रखिए, अपने पर्स के ऊपर हाथ रखिए, अपने वॉलेट के ऊपर हाथ रखिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके अलमीरा के लॉकर पे हाथ रखिए परमेश्वर, अब वो कभी खाली ना होने पाएगा बल्कि वो भरा रहेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया रब कतु रब गदी रब शेरे गदी रब गदी रब थिरा। इनके पर्स और वॉलेट को आपके हाथों में समर्पित करते परमेश्वर पिता, इनके पर्स और वॉलेट में ब्लेसिंग आ जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया रब बाबा 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 शेरे गदी रब गदी रब गदी रब थिरा। हालेलुया रब गदी, इनके पर्स को ब्लेस कर दो परमेश्वर, इनके पर्स हमेशा पैसों से भरे रहे यीशु मसीह के नाम से, कभी खाली ना होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया रब गदी रब, जो परमेश्वर पिता दया करो, दया करो, मंथ में जो सैलरी तो आती है लेकिन उसके बाद दो दिन ही रहती है, उसके बाद वो सारा खत्म हो जाता है, तो ऐसा ना होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया रब गदी रब, वो हमेशा भरे रहने पाए, हमेशा भरे रहने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया रब गदी रब गदी रब गदी रब शेरे गदी रब गदी रब शिरा। हालेलुया रब, वचन में लिखा है कि धर्मी बहुत उदारता से देता है और खर्च भी करता है, लेकिन फिर भी उस हमेशा उसके पास भरपूर रहता है, और जो दूसरे लोग जो होते हैं वो देते नहीं, खर्च भी नहीं करते, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं बचता। तो परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर डेलना जा रहा है, धर्मियों के ऊपर कभी भी पैसों की फाइनेंस में और वो धन की आशीष हमेशा बनी रहेगी और कभी भी कमी नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आपने ब्लेस कर दिया भाई बहनों के ऊपर। हालेलुया, जो यीशु मसीह को मानते हैं, जो विश्वास करते हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है, मन फिरा है, उनके घरों में हमेशा धन की बरकत रहे यीशु मसीह के नाम से, इनके हाथों में बरकत होने पाए यीशु मसीह के नाम से, कभी किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आपने सभी भाई बहनों को परमेश्वर आपने ब्लेस कर दिया, और परमेश्वर पिता इनको धन की आशीष में ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया रब गदी रब शेरे गदी रब गदी रब थिरा। सचमुच परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब दे दिया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड जीसस, आपका आगमन बहुत ही निकट है परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। उसके लिए सभी भाई बहनों को तैयार करो, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उठा लिए जाना चाहिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। आप सभी लोगों को जय मसीह की। ये जो प्रार्थना जो किया है परमेश्वर आपके जीवन में 100% वो ब्लेस करेगा।
परमेश्वर ने निश्चय किया और वायदा किया तो आपके जीवन में करेगा। आप अड़े और खड़े रहिए परमेश्वर में और परमेश्वर से अनकंडीशनल लव कीजिए। अनकंडीशनल लव मतलब बिना शर्त का प्रभु से प्रेम कीजिए। परमेश्वर सब कुछ देगा, आपको ब्लेस करेगा और आप व्याकुल और बोझिल मत होइए। प्रभु आपके साथ खड़ा है, परमेश्वर सब में सब कुछ है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का ये वचन है और प्रार्थना है, ये शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको ब्लेस करें और बढ़ाता जाए यीशु मसीह के नाम में। आप सभी लोगों को जय मसीह की।